नंद जी मैं पलक थे देख रहे हो न्यूज थोरारी। आज आप पूछा हाँ झुंझुनू का बीडी के हॉस्पिटल में मुकेश कुमार नाम को एक लड़का हो जी की डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गया है। मामलों की है वो आपा फैमिली से जानेगा, मालसर को रहना को लड़को हो तो फैमिली से बातचीत कर सा की कया के हादसों हो और कया वो लड़को एक्सपायर हो। तो नाम है थारो? मेरा नाम विकास है, मैं मृतक को बड़ा भाई हूँ। अच्छा मृतक का बड़ा भाई हो थे, तो पहले तो यहाँ बता दो कि वो हादसो कया की हुए हो और कितने बजे की घटना है? लास्ट टाइम मेरी भी शाम के बात हुई, कल 5-6 बजे के लमसम। तो कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाना हो, मैं सरदार से पोस्टेड हूँ, तो वो कोई शादी के नाम ले के गयो। अब सागे भी का कौन हो यो मन कोई आइडियो को नहीं हो। और आगे बताने के अनुसार के रात ने 2-3 बजे करंट लागो। अब रात के 2-3 बजे करंट कहे लागो, अब करंट लागो है कौन लागो, कोई ओवर कंडीशन है, कोई मान लो कोई मार्केट छोड़ो है बाद में करंट लगाया है, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। तो जो मृतक हो वो थारे गरा कौन रहते हो, अलग रहते हो? नहीं नहीं गरा ही रहते हो, बिल्कुल गरा ही रहते हो। बीएसटीसी करते हो नवलगढ़ू? अच्छा बीएसटीसी। तो सुनना मैं यहाँ ये कि भाई झुंझुनू मकान वगैरह लेके रिया करता? नहीं मकान लेके कौन रहता, कोई दूसरे के मकान पर आया बताओ। अयो भी मैं कन्फर्म कौन कर सकूं कि मकान पर आया कौन आया। तो जो यहाँ साथ वाला ही जो जी का मकान पर आया बात से थारी बातचीत कौन हुई? बात हुई है वो एक लड़को ठीक है, वो हाँ वो कह रहे हो कि वो तो सिचुएशन समझा रहे हो कि वो अठे मे बी लेके आया हॉस्पिटल में बैठे करंट लागो में छुटवाने। तो एक बार कैमरा के सामने बुला सको? तो राम राम जी। राम राम। के नाम है थारो? होशियार सिंह। तो जी यहाँ पे मृतक जो है बे थारा के लागता दोस्त, तो यो हादसो ये अभी के पीछे थान के लागे थारी कत तो मृतक से बात हुई और कया के मामलो हो साथ में? हाँ दोनों लेट नाइट तक 2 बजे के समथिंग रूम पर आया, फिर रूम को दरवाजा दरूजू खोलो, उसके बाद में मैं अंदर एंटर हो गो वो बाहर रह गो, फिर बाहर कोई बिलगणी जी सा वो अपने कपड़ा सुखाया करा वो तार हो वो कभी को हाथ हूत कर लो जना वो चिल्लाए वगैरह जना मैं भी भाग्यो, फिर उसके बाद में मैं भी छुटान छुटन की कोशिश करी कोई लकड़ी लकड़ी हूँ, फिर मैं कोई आस पड़ोस में कोई अंकल जी वगैरह बन बुला के लो, फिर एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुला के। कठे की घटना है झुंझुनू की है रूम? तो जी थे बता रहे हो कि थे पहली एंटर करगा फिर बाकी करंट लागे हुए, तो करंट सुनना में आई कि करंट का निशान बाकी एक जगह है, बाकी जो बाकी चोट का निशान है बस चोट का निशान लेके था रुकी करना? चोट का निशान तो नहीं होना चाहिए, और ही तो वो एक बार नीचे पड़े हो मतलब भी के बाद मैं बिन मतलब आप शुरू में बिन छुटाने की कोशिश करी है जना, फिर मैं वो अंकल और ना बुलाने लागे जना वो मन नीचे नाचे पड़े जना भी साबू आ गया होगा, बाकी इसको चोट का निशान को नहीं करंट की बात ही। तो थारी कोई आपस में नोक झोंक हुई हो या फिर थारी लेट नाइट तक थे साथ आ ना ऐसी आपसी कोई लड़ाई ना? राम राम जी। राम राम के नाम है अजय नाम। तो जो मृतक है बाकी थे के लगो बड़ो भाई? तो जी हम वैसा भी हो हादसा हो है थाने के लाग रहे हो हादसा लेके कया तो भाई बारे गया और कितने बजे की घटना है हमारे दर्शकों एक बार बता दो। देखो लड़को चंचल ले और मारो लाडलो हो कोई अपने परिवार में सू छोटो हो छोटो 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 भाई हो तो एक ही एस टी सी करते हो अब छोटो लाडलो तन भी रहे हर चीज मिल रहा है हमारे तरफ को सही एकदम सिद्ध हो अभी लड़के के साथ के साब हुए है के नहीं हुए है अभी करंट लग गया है कहीं लग गया है अभी की हमारे यह समझ में नहीं ये कहीं करंट लग गया लेकिन यह फोटो देखो थे ये कनपट्टी की जो चोट है यह उरे लग गई अभी का या उराली चोट के हिसाब से लगी है कनपट्टी की है या नस आपनी जो है ना ये नस की चोट है मैं डाउट ही सही हो कि नस के चोट के हिसाब से लगी है के हिसाब की है। तो चोट के लिए तो जो है दोस्त जो सागा पे बता रहे हैं कि गिरने से या चोट लगी है? देखो मैडम गिरने से चोट लगे लेकिन जो है नस पर चोट कहीं लगे आदमी को और कटे भी लागे तो की कोई बात अगर थान बताई हो तो कि आप सिवा की कोई लड़ाई हो कोई के साथ गुनीस बीस हुई हो के साथ लड़ाई को नहीं एकदम शुद्ध स्वभाव को मित्रता के साथ तो भाई घर से कद निकला जो हादसो जो हुए घर से तो ये देखो मैडम कल एक हमारे भी एक शादी ही कोई शादी का चक्रम हो के हिसाब से लड़कों के हिसाब से गए लेकिन वो घर से काम से गए मैं भी मतलब बाहर ने काम करूँ हूँ तो बाहर निकले हो अभी अंकल जी यहाँ घर अब अंकल जी पताश की बार हम कैब जी निकले। तो और भी जो लोग मौजूद है बस आप बातचीत कर कहीं हादसे हुए कहीं के मतलब घर से कितने बजे में निकला और के कह के गया घर घर हूँ तो 11 बजे मन पातूसरी मिल जाए मैं पातूसरी बैंक में आ रहे हो ना वो स्कूटी लेकर झुनने का जा रहे हो हेलमेट तो भी को पगांगे मार पड़े हो और स्कूटी चलाओ और गड़ में साफी लगा रखी
जुना का नहीं बो आ रहे हो, मैं पातूसरी स्टैंड पर बैठे हो, तो मेरे का नहीं राम राम करके और बाय करके वो 11 बजे की बात ही है। तो थान टाइमिंग वगैरह कुछ कौन बता के गया वापस आना की ना एक कोई बात थी उनके रुकिया ही टाइमिंग मैंने बताई मैं फोन करियो जना मैंने बोले 8 बजे घर आऊंगा। अब ये 8 मैं फोन करियो जना मैंने को डॉक्यूमेंट्स मंगवाना हो जना बोले 8 बजे मैं घर आऊंगा और मैं भेज दूंगा। तो जय बेथान बोला कि 8 बजे घर आ जाऊंगा, 8 बजे बाद में जब टाइम ऊपर चलेगा तो ते फोन करनो ना। मैं कॉल कौन करियो रात ने क्योंकि मैं आगो होगो कापा क्यों है फालतू को बहम करा कि कोनी आयो। हां हां मेरे सुबह बात तो ये जना बोले कोई बात होगी लेकिन मेरे तो दिमाग कौन मान रहे हो कि सिर्फ करंट हुए है। मैं पूरी जांच करवाना चाहवा और बाकायदा पुलिस अभी पुलिस कह रही है मौके मुआइनों की भी दोबारा जांच हो बैठे जा कि क्या की सिचुएशन है उसके कोई लाइट करंट है तो वह मेन सप्लाई की लाइन हो अगर करंट लग गया तो वो बिजली विभाग की लापरवाही है। और अगर मकान मालिक की जो रेंट पर अगर बच्चा बैठे रह रहे हैं स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं भाई मीटर की सप्लाई का अगर बाद का तारा हूँ अगर करंट लग गया है तो वो मकान मालिक की लापरवाही है, वो एक तरीके को जानलेवा ही है। क्यों अगर जो रेंट ले रहे हो वो मकान की आपके केयर कर रहे हो तो वो तार भी तो सही करवास के है, आज मारे की गई है कल बैठे और किराए पर लेके रह रहे हैं बाकी जाएगी। तो अगर मकान मालिक की गलती है तो मकान मालिक के खिलाफ मामला होना चाहिए और अगर अगर करंट लग गया तो और अगर अगर भाई देवे अगर अन्य कोई प्रॉब्लम है कि मतलब मर्डर है कि कोई चोट पहुंचाने के बाद में अगर कोई करंट को रूप दियो है तो मैं पूर्ण रूप जांच चाहवा भी के बाद में पोस्टमार्टम करवाऊंगा, पहले पोस्टमार्टम कौन करवाऊंगा। तो भाई साहब यहाँ बताओ कि ये जो हादसा हुआ है क्यों थानकाना शिविर पड़ो ये भाई साहब है पहले पता चलो ये अरविंद है मैं तो सरदार शहर आयो 9 बजे पहुंचो ये सुबह मैंने फोन करियो बताई सारी सिचुएशन समझाई फिर मैं बैठा चलो। तो हमारे चैनल के माध्यम से थे के प्रशासन ने क्या कहना चाहोगे? प्रशासन ने यही कहना चाहूँ कि मारी निष्पक्ष तरीका जांच होनी चाहिए हमारे मामले की से मैं करंट कौन मान रहा कि मना लाग रही है कि कोई कोई दुर्घटना दूसरी है। तो दर्शकों थे देख को परिवार आपकी जो भी विचार है सारा अपन बता चुके हैं चैनल के माध्यम से अफाई चीज की पुष्टि कौन कर सका कि वो मर्डर है या कोई हादसो है या तो प्रशासन ही पता लगाओगे कि वो हादसो है या मर्डर है प्रशासन ही चीज की पुष्टि करेगा। और अमिला अगली खबर में आए कि नई नई खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि थाने के लागे है। जब तक के लिए राम राम।